भूल जाए सुधीर चौधरी, ऐसे बहुत देखे हमने। सुधीर चौधरी अपने स्टूडियो से बाहर आए और चैलेंज देके आए, मैं चैलेंज देता हूँ खुल्ला, सड़क पे आए टाइम रख ले, खुल्ला चैलेंज देता हूँ, अगर 32 ही उनकी रोड पर नजर आएगी, 32 ही रोड पर नजर आएगी, बता रहे एक दलित मुख्यमंत्री के बारे में, उसके बेटे के बारे में, ये हम कदापि नहीं सुन सकते। उनका सम्मान हमारा सम्मान है। अगर किसी ने भी आदिवासी मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री या फिर समाज है या फिर उनका कोई बेटा है, परिवार का कोई सदस्य है, अगर एक लफ्ज भी तिहाड़ी जैसे व्यक्ति ने बोला, सुधीर चौधरी जैसे व्यक्ति ने बोला, तो सड़क पर आ जाए टाइम रख ले, सड़क पर 32 ही नजर आ जाएगी, बोड़ा करके भेजेंगे। मुकदमा दर्ज सर होते हैं, एक दिन में हजारों FIR दर्ज होती है पूरे देश में, लेकिन चलती कितनी है? या तो समझौता करवा दिया जाता है या फिर कोर्ट के धक्के खा करके वो बेचारे न्याय के लिए तड़पते रहते हैं, न्याय नहीं मिलता है। FIR दर्ज होना न्याय नहीं है, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। मैं नहीं मानता इनको पत्रकार, ये RSS के एजेंट हैं जो कि हर क्षेत्र में RSS ने घुसाए हुए हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में, उद्योग जगत में, अलग अलग क्षेत्रों में घुसाए हुए हैं उन्होंने अपने लोग, वो RSS का एजेंट है, गुलाम है वो। इस देश को मंदिर नहीं चाहिए, इस देश को मस्जिद नहीं चाहिए, इस देश को स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय अस्पताल चाहिए। देश में आज भी हमारा भारत देश विकसित देश की श्रेणी में नहीं आता, विकासशील देश की श्रेणी में आता है। मेरी मौत पर कफन डालने आ जाना या मैं जब तिहाड़ में जाऊं तब रोने के लिए आ जाना या आवाज़ उठाने के लिए आ जाना, या फिर जब मैं सड़क पर बैठा हुंकार मार रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, रो रहा हूँ, दाड़ रहा हूँ, तब मेरा साथ निभाने आ जाना। महामहिम राष्ट्रपति पद का हम सम्मान करते हैं, वो आदिवासी समाज से आते हैं, उनका फर्ज है कि उनको बोलना चाहिए, उनका फर्ज बनता है। लेकिन अगर वो नहीं बोल रही हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम ना बोलें, हम तो बोलेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती और ये मोदी सरकार की तानाशाही तो हमें कभी रोक ही नहीं सकती। ये चाहते हैं ठुकाई, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिस दिन आप एक बात बताओ, कहते हैं हम संविधान को मानते, भाई असंवैधानिक बात करते हैं सतपाल तंवर जी, मैं संवैधानिक बात करता हूँ, संविधान ही हमें अधिकार देता है। कोई आपके ऊपर हमला करता है तो आप उसके ऊपर प्रतिकार हमला करने के लिए तैयार हो जाइए। अब लातों के भूत बातों से नहीं मानते, देश की सेना के हाथ में हथियार नहीं होते अगर लातों के भूत बातों से मान जाते, देश की पुलिस के हाथों में हथियार नहीं होते अगर लातों के भूत बातों से मान जाते। जो थप्पड़ से मानता है थप्पड़ से मनाओ, जूते से मानता है जूते से मनाओ, प्यार से मानता है प्यार से मनाओ, और अगर नहीं मानता है तो फिर उसके बाद उसी के पास भेज देंगे जहाँ से वो आए थे। हम दलितों की इतनी भी औकात नहीं है, हम बेशक से CM DM के पद पर पहुँच जाए, क्या हम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते? क्या हम अच्छा खा नहीं सकते? या वो मरे हुए चूहे ही खाएंगे हम? क्या हमें साफ सुथरे तरीके से रहने का अधिकार नहीं है? क्या हमें अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है? देखिए मैं बता देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, ये सब बाबा साहब का दिया हुआ है। मेरे हार्ट का इलाज चल रहा है पिछले 1.5 महीने से, मैं हेल्थी तौर पर ठीक नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। मैंने कहा ना मौत मंजूर है, मैंने इसी वजह से कहा, मैं सर्दी में नहीं बैठ सकता, मेरे लिए प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मुझे मौत मंजूर है। अब एक केस की सुनवाई थी जिसमें मैं एक्यूज हूँ गुड़गांव कोर्ट में, सिविल जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट वीरेन काद्यान की कोर्ट में। वीरेन काद्यान ने मुझे गिरफ्तार करने की धमकी दी, मैं बेल पर हूँ तो ये इलीगल है, उन्होंने मुझे हिरासत में ले लिया, ये इलीगल है। मेरी तबीयत ख़राब थी, हमने उनको बोला कि आप हमें थोड़ा सा रिलीफ दे दीजिए, अगली डेट लगा दीजिए। वो कहते हैं कि क्रॉस भी आज ही होगा, गवाही भी आज ही होगी और मैं सज़ा आपको आज ही दूंगा, आज ही जेल भेजूंगा। भाई आप क्या प्रूफ कर रहे हैं मेरे खिलाफ, क्या गवाह है जो आप मुझे जेल भेजेंगे? फिर वो कहते हैं कि सपना चौधरी मेरी बहन है सतपाल तंवर, तुझे जेल भेज दूंगा। एक जज अपनी कुर्सी पर बैठकर कहता है, सोचिए आप न्यायपालिका में भी कितना भ्रष्टाचार है, मनुवाद है, जातिवाद है, कहाँ तक बचोगे भाई आप नहीं बच सकते। हमने आवाज़ उठाई, अगर हमारी जगह कोई और होता तो वो जेल में होता, इसीलिए हमने आवाज़ उठाई। उस जज वीरेन काद्यान को सबक सिखाएंगे इस कानून के तरीके से ही। टुकड़ों में समाज नहीं बटा है, टुकड़ों में संगठन पॉलिटिकल पार्टीज बटी हुई हैं। और वो कहते हैं कि गांव बसा नहीं, अभी गांव नहीं बसा है सर, अभी लड़ाई हमने जीती नहीं है। जो हम पहले ही सोच लें कि गद्दी पर कौन बैठेगा, गद्दी पर बैठाएगा ये समाज,
जिताएगा ये समाज, बनाएगा ये समाज, उठाएगा ये समाज, गिराएगा ये समाज। जो समाज के लिए काम करेगा वही समाज के लिए काम करेगा, बाकी जो नहीं करेगा हमें उनसे क्या मतलब है। हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं वो लोग, हिंदुओं का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वे लोग, हिंदुओं को पागल बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। ये वोट के लिए सारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदुओं को पागल बना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। जरूरत देश को शिक्षा की है, मेडिकल सुविधाओं की है। मैंने कहा है मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो आते हैं तो उनका स्वागत है, और वो नहीं आते हैं तो मैं उनके सामने भीख नहीं मांग रहा। मैंने अपने 85% मूल निवासी बहुजन समाज का आह्वान किया है, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। मैं खुद अपनी मेहनत से कमा के तब मैं आंदोलन में पैसा लगा रहा हूँ। मेरे पापा आर्मी से रिटायर है, मुझे कुछ कुछ पैसा देते हैं। मेरी वाइफ वकील है, हालांकि मैं भी एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं टाइम नहीं दे पाता समाज की वजह से, तो वो मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा देती है, 1500 रुपये, तब जा करके मेरा खर्चा चल पाता है। गरीबी, गरीब समाज में पैदा हुए हैं, गरीब घर में पैदा हुए हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आंदोलन रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। मैं अंदाजा नहीं लगाता सर, बाबा साहब अंबेडकर जी, मान्यवर साहब, कासीराम जी अकेले चले थे कारवां को लेके, हम सच्चे मन से चल रहे हैं उनके कारवां को बढ़ाने के लिए। मैं नहीं जानता मेरे साथ कितने लोग हैं, और मैं लोगों का मोहताज नहीं हूँ, मुझे मेरे समाज से प्यार है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। सर हमें अपने अधिकारों की चिंता है, हमें गुलाम बना लिया जाएगा दोबारा से, मनुस्मृति लागू हो जाएगी, हमें गुलाम बना करके वही पीछे झाड़ू होगी सामने हांडी होगी, और गुलाम बना लिया जाएगा, मनुस्मृति का राज आ जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ये आखिरी चुनाव करवाएंगे 24 का, और शायद ये भी ना करवाएं। ये देखो ये देता है अधिकार धर्मनिरपेक्षता का, लोगों को जय श्री राम बोलने का भी अधिकार है, आप नहीं छीन सकते। लोगों को अल्लाहू अकबर बोलने का भी अधिकार है, हम नहीं छीन सकते। लोगों को जय भीम बोलने का भी अधिकार हम नहीं छीन सकते। जब जूती में पानी पिलाया जाता है तो वही जूता उनके सर पे भी मारते हैं हम। सर कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे समर्थन में फिलहाल नहीं है, और राजधानी दिल्ली में ही इस महा आंदोलन की तैयारी है। फरवरी के महीने में ही जल्दी ही तारीख और समय और दिन निर्धारित कर दिया जाएगा। लगभग इंटरनली तो हमने जगह देख ली है, और सरकार से हम परमिशन भी ले रहे हैं। अनिश्चितकालीन आंदोलन की ये सरकार परमिशन नहीं दे रही है। सर मैंने उनको इनविटेशन दिया था, उनको निमंत्रण भेजा था कि आप आए, हम सब मिलके इस लड़ाई को लड़ेंगे। मेरी बात हुई थी, मैं उनके समर्थन में जंतर मंतर पर पहुंचा भी था, मैंने अपनी स्पीच भी दी थी और अपना समर्थन उनके साथ जाहिर भी किया था। अब हमें आवश्यकता है, जब हम सबके साथ खड़े हुए हैं तो उनको भी हमारे साथ खड़े होना पड़ेगा। हम वकीलों के साथ भी खड़े हुए हैं, डॉक्टरों के साथ भी, प्रोफेसर्स के साथ, इंजीनियर्स के साथ, सबके साथ खड़े हुए हैं। समाज तो हमारे साथ है ही, क्योंकि समाज के दुख दर्द में हम ही आगे आते हैं, उनके आंसू पोंछने के लिए हम ही आगे आते हैं। सर असफलता से हम डरते नहीं हैं, घर वापसी का हमारा कोई इरादा नहीं है। लड़ेंगे, जीतेंगे, और बैठेंगे तो उठेंगे नहीं, या तिहाड़ में होंगे, या शमशान में होंगे, या फिर हम होंगे कामयाब। सर मैंने सबका स्वागत किया कि आप आओ, हम आपके नेतृत्व में लड़ाई करेंगे, लड़ेंगे, लेकिन वो लोग लड़ना तो चाहते हैं, इकट्ठे नहीं, अलग अलग। वो लोग लड़ना तो चाहते हैं, बाबा साहब के मिशन की लड़ाई नहीं, ईवीएम के खिलाफ नहीं, खुद को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे द्वार आज भी खुले हैं, उनका स्वागत है।